तो हेलो, स्वागत है धारा मेरे के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करी है दोपहर के टाइम में, और दोपहर के बज गए हैं 12 और काम लगभग हो गया था मेरा। मैं रेस्ट करूँ थी थोड़ी देर, मैं फ़ोन चलाने लगी थी, फिर मेरे ध्यान आया कि मैंने ब्लॉग भी बनाना है। तो बस ये कपड़े सूख गए थे तो मैं उतार के लेके आई हूँ और ये रखे, तो फटाफट तीन मैं समेट दूँ। उसके बाद में मेरी सलाह सिलाई करने की, तो मेरी मशीन मैंने उठा कर रखे उड़े, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं जो भी कुछ काम करूँ उड़े दूसरे कमरे में तो मेरे पसीने आने लग जाए। उड़े कूलर ना है और उड़े है कूलर, तो बस यो चला लूँगी और काम भी हो जाएगा, गर्मी भी ना लगेगी। तो फटाफट पहले मैं कपड़े समेट लूँ, उसके बाद। तो फिलहाल बारिश का मौसम रहा है, और बारिश के मौसम की वजह तक बहुत परेशानी होगा कपड़े धोल का, और जिस तरह डालेंगे सुखाने खातर इतनी देर में मौसम बिगड़ जावे, फिर उन कपड़ा ने उतार के लेके आ, फिर बरसात चली जावे, फिर वापस से सुखावा, फिर अंदर। तो बस बाहर भीतर में ही टाइम पास हो जाए, पूरा दिन नहीं निकल जाए, फिर रहना पड़ता। तो अब भी कुछ कपड़े गिले हैं और जो सूखे हैं वो तो मैं तय कर दूँगी, और बाकी जो बचे हैं गिले हैं उन्हें मैं निकाल दूँगी और अंदर ही सुखा दूँगी, क्योंकि कुछ भरोसा ना बारिश का। मैं अगर सोगी तो बारिश आ जाओगी तो मैंने पता भी ना चलेगा और कपड़े भीग जाएंगे सारी मेहनत का पानी फिर जाओगा। तो फटाफट तय कर लूँ। तो यार पापा की परी आ गई, बोल के दुआ की लाया पापा, के बोली ये दुआ की लाया, के नाम है ये इसको, के है, के है ये चिचूट, बिस्कुट की जगानों का चिचूट है। इसने देखो मेरा उड़ चोट कर दी, देखा गया तन्ने करी है, मारी तने मेरे, मारी ने, सॉरी बोल, कान पकड़े, दोनों कान पकड़े, सॉरी। हाँ आप लग गई, तो मन्ने भरना पड़ गया पानी, के पापा तो गई थी कि पानी डाल दे और पी गया नींबू पानी, वो तो गया। उसके बाद मैंने चार चक्कर करके थोड़ा थोड़ा पानी लेके आई, क्योंकि मेरा बोझ उठाना मना है, तो मुश्किल तो थोड़ा बहुत आधा कूलर भरा है, आधा कभी कम, पूरा नहीं बना रहा, क्योंकि ज़्यादा अगर बोझ उठाती तो फिर मेरा पेन हो जाता। कल भी मैंने थोड़ा सा मटका उठा लिया था, मतलब पूरा तो भरा ना उठाया, पर कुछ आधा थोड़ा आधा तो था ही, वो उठा लिया था। उसके बाद मेरा दर्द होने लगा था शाम में, पर ये गलती ना करूँगा बोझ उठाने वाली। ही मैं लगूँगी सिलाई का, काफ़ी देर होगी, बार बार कुछ काम करके आ जाऊँ, फिर सोच चुकूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर करूँगी सिलाई, फिर आ जाऊँ, फिर चली जाऊँ, तो वो ना पा रही। पर ये फाइनल है, मैं पक्का सिलाई पर बैठूँगी, और मैं ये उठा के ले आई हूँ सूट, बस ये लग जाऊँ जल्दी से काम पर। और कल एक जो ब्लॉग आने वाला, देखिए आ गया होगा ब्लॉग, तो उसमें मैंने कुछ सिलाई विलाई का काम दिखाया था, तो वो काम गया मेरा बिगड़, जो मैंने सोचा था उसका बिल्कुल गलत हो गया, उल्टा हो गया, दिखाऊंगी कि क्या उल्टा आया। तो कल की वीडियो में मैंने ये सिल लिया था इसका पूरा, कि मंगाया अच्छा लगेगा, ये फट रहा था ला। और यो देखो मेरा पोपट ये होया, कि इसके सारे धागे मैंने चारों तरफ से सिला था सारे, तो उस तरफ तो बस सिलाई रह रही है, पर यह भी खुल जाएगी, और यह जो साइड है ना इसकी पूरी सिलाई खुल गई, देखो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और आज देखो इसकी गाड़ी का मैंने घोड़ा बना दिया। बेटा वायर है, वायर तो उड़ना जा, अग लिया गाड़ी ने, उड़ लिया तार का चिप जाएगी, अग लिया उतर, और लिया उड़न मेरकन लिया ले, इन्ना क्यों करा है कूलर करंट मार, देखो बाहर देखो कितनी तेज धूप निकल रही है, पूरे हाल है गर्मी की। और यू जाए सुबह तो यू जाए जानी, तो सारे काम हो गए, पर काम कदे खत्म ना होते, सच में घर का काम कदे खत्म ना होता, चाहे कितना भी काम कर लो। तो ये भी मैं यू सोच के लेट जाऊँ कुछ काम को, पर कदे कपड़े सूख जावे उतारने, कदे कूलर भरना पड़ गया, कदे इसका काम हो जाए, इस तरह का। बाय कर दे।
लव यू गाइस, लव यू गाइस। कह रही है गाड़ी दिखाओ, मेरी गाड़ी। तो ब्लॉग का मैं एंड कर दूंगी और लग जाऊं सिलाई पे, वरना मेरी नींद इतनी ज्यादा खराब हो रही है सिलाई लेके। काफी टाइम होगा सिलाई में, इतनी ज्यादा करती को नहीं, करीब करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कपड़े ना जो भी कदे किसी का कलर चला जावा है, कदे किसी की चुन्नी का रंग कर जावा है, कोई सलवार रंग जा, यह बहुत बोलती रहू सुने ना देती किसी की। तो बाय, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ।